गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं द ट्रैवलिंग बीस्ट। रात में जैसा कि लेट रहा था कल दिल्ली से, अब थोड़ा सा मैं उठा हूँ अभी सुबह, तो देखते हैं आगे क्या प्लान करते हैं, कहाँ जाते हैं, और थोड़ा सा मैं नहा धो के बात करता हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैं नहा के अब तैयार हो चुका हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ बुलंदशहर, मेरा घर, मेरी जन्मभूमि। मैं आज तुम्हें वहाँ दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ है। बट उससे पहले मेरे बाल कैसे लग रहे बता दो यार, ठीक है ना? चलो, अब मैं जाने वाला हूँ बुलंदशहर और वहाँ तुम्हें दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है, बिकॉज मेरा होम टाउन है और भाई मुझे बहुत गर्व है मैं बुलंदशहर का हूँ। तो ये चिल्ड्रन पार्क है यहाँ गंगानगर का, फ़िलहाल मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, दिखाऊँगा आपको बाद में। और ये एक बरन अपार्टमेंट्स हैं यहाँ के, जो पहले अपार्टमेंट बने थे, और ये गंगानगर कॉलोनी। सब मैं निकलूंगा बाहर, फिर आपको हाईवे की दिखाऊंगा कुछ चीज़ें, टाइम स्लैप द्वारा, उसके बाद एकदम कहाँ जाते हैं। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं ये है भूड़ चौराहा, बुलंदशहर का एक भूड़ चौराहा, जहाँ सबसे ज़्यादा सब चीज़ मिलती है आने जाने के, ट्रैवलिंग के सारे वाहन यहाँ खड़े मिलते हैं। आप सब जगह जा सकते हैं, यहाँ से मेरठ भी जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं, अलीगढ़ भी जा सकते हैं, और नरोरा, ये दोनों सेंटर पॉइंट है यहाँ का भूड़ चौराहा। तो आप देख सकते हैं ये भूड़ चौराहा है आपके सामने, आगे और दिखाता हूँ आपको। फिलहाल तो मुझे और कहीं जाना है तो उसके हिसाब से दिखाऊंगा। तो अब मेरे को जाना पड़ रहा है, मतलब बुलंदशहर में आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाऊंगा गुलावटी स्थित एक बहुत भव्य मंदिर है, मैं वहाँ पर आपको पहुँच कर दिखाऊंगा। वो मंदिर माता वैष्णो देवी धाम के नाम से है और पर्यटक है भाई, टूरिज्म है, बहुत लोग आते हैं, आप भी देखो और मज़ा आएगा आपको, एंजॉय करो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, बारिश चालू हुई है जैसा कि बताया यार, दो दिन से बारिश बहुत हो रही है, इसी चक्कर में मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो उसके चक्कर में फिर मैं नहीं। पड़ चुकी है जैसा मैं आपसे अभी बोल रहा था, तो देखो यार मौसम वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट यार द ट्रैवलिंग बीस्ट आप ज़रूर देखते रहना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलेंगी, सारी चीज़ नई नई मिलेंगी, चाहे मुझे कहीं पर भी जाना पड़े, पर आपको डेली का ब्लॉग मिलेगा, चाहे कैसे भी करना पड़े। ठीक है गाइस, आप देखते रहिए आगे तक। तो गाइज मैं जैसा कि आगे चल ही रहा हूँ, ट्रैवलिंग हो रही है, तो आपको धूप भी दिख रही होगी, इट मीन्स बारिश ख़त्म हो चुकी है, धूप भी आ रही है, पता नहीं मौसम ऐसे ही चल रहा है, बट बहुत अच्छा वेदर है, जो है। और आगे को मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊंगा अभी। गाइज अब मैं वहाँ लोकेशन पे पहुँचने वाला हूँ, उससे पहले आपको दिखाता हूँ, ये बहुत सुंदर सी नहर है और सामने हापुड़ भी यहाँ से दिख रहा है, और एक मंदिर आने वाला है, मगर ये वाला मंदिर नहीं है माता वैष्णो का, आगे है, मगर ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, मैंने सुना है इसके बारे में। बट अब मेरे को वहाँ आके पहुँचना है और वो मंदिर दिख रहा है मेरे को, मैं आपको अभी दिखाऊंगा उतर कर। वैष्णो धाम से पहले साईं बाबा का मंदिर है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मंदिर है भाई, प्राचीन मंदिर है अभी, तो पहले यहाँ का दर्शन करते हैं फिर माता वैष्णो देवी धाम जाते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, हापुड़ में पड़ता है, मुझे तो अभी पता चला ये, मैं जिले हापुड़ में पहुंच चुका हूं भाई, पर ये हापुड़ में पड़ता है स्थित, मैं अभी पहुंचने वाला हूं। तो अब अंदर आ चुका हूं साईं बाबा के मंदिर में, आपको दिखा रहा हूं मैं, हालांकि कोई देखने नहीं देता शायद ये बात है, मगर फिर भी आपको जितना हो सके उतना दिखा रहा हूं मैं, दर्शन कर लो आप भी सब, काफ़ी प्राचीन है साईं बाबा, सिर्फ एक जनपद बुलंदशहर में दो मंदिर हैं, एक शिकारपुर रोड पर है शायद, और एक ये हापुड़ में लगता है, तो बुलंदशहर का एक हो गया, हापुड़ का एक हो गया, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर। फाइनली फिर अपने गाड़ी के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाना है, इट मीन्स आगे माता वैष्णो धाम, बहुत सुंदर मंदिर है यार, उसके बारे में सुना है मैंने और मुझे खुद जाना है यार, चलो देखते हैं आगे चलते हैं। तो गाइस माता वैष्णो देवी मंदिर में आ चुका हूँ, ओ बहुत ही सुंदर है यार, आप देख सकते हैं, देखो ये कवर पेज के लिए काम आएगा, माता रानी यहाँ विराजमान है,
बहुत ऊंचाई के बाद ये मंदिर दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैंने सुना है गुफा भी है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये गुफा है, इधर भी है आप देखो, और पूरा मंदिर गुफा की तरह बना हुआ है। बहुत सुंदर मंदिर है यार, बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर मंदिर है। अभी देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं थोड़ा सा, समझते हैं इस मंदिर को और इसकी कहानी भी देखते हैं। जय माता दी। तो इस मंदिर को समझते हैं अभी, इसके बारे में सोच देखते हैं क्या क्या चीज़ है, यहाँ की खासियत क्या है। और नक्काशी बहुत सुंदर है यार, नक्काशी गाइस बहुत सुंदर है इसकी। और अंदर माता रानी विराजमान है। अभी पिंडली भी दिखाऊंगा मैं आपको, फिलहाल अभी सामने के दर्शन कराता हूँ। हाँ, मतलब लड्डू गोपाल जी आप देख सकते हैं, कितने खाने पीने वाले हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं सच में। अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा। तो गाइस अब ऊपर चढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यार, मतलब मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है यार। अभी पूछा था मैंने पंडित जी से यूट्यूब पे आने पर, उन्होंने चैनल पे मना कर दिया मेरे, बोला कि यार नहीं मैं ऐसे नहीं आ सकता। तो फिर उन्होंने बताया कि 5 साल लगभग हो चुके हैं इस मंदिर को, बहुत सुंदर तो है। मैं गुफा के अंदर घुस रहा हूँ धीरे धीरे, और सच में यार वैष्णो देवी की फील आ रही है, बहुत ही अच्छी गुफा सी है यार, बिल्कुल डमी टाइप में बना रखी है और बहुत सुंदर वैष्णो देवी का फील आ रहा है। यहाँ से कुछ दिख रहा है गाइस, देखिए, ओह वाओ, एक अलग ही फील है यार, देखो कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। अब मैं जैसा कि वहाँ देख रहा था, अब नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके देखता हूँ, आप सबको पूरा दिखा रहा हूँ। ट्रैवलिंग बीस्ट के दम चैनल के अपने को सब्सक्राइब करो यार, देखो यार भाई बड़ी मेहनत लगती है, मैं आपको कितना दिखा रहा हूँ, देखो नीचे तक जा रहा हूँ, उठ रहा हूँ। ओ बहुत सुंदर मंदिर है यार, वाओ। और माँ पोलर बियर नहीं है, बियर है सॉरी, ये शेर जी है। अब ये देखिए यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, नाली अभी पानी होता हो गया और सीधा माँ के पिंडली के नीचे आ चुका हूँ। ये री माँ आप देख सकते हैं, दर्शन करिए। यहाँ पर हैं कितने साल से आप यहाँ पर? मुझे तो अभी इसमें कोई डेढ़ दो साल हो गए इधर ही रहते हुए। अच्छा अच्छा पहले आप जम्मू में ही थे। हाँ, तो पंडित जी मतलब इसमें मंदिर में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खासियत है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। आप जब नीचे से पहले ही आओगे, जी जी, सामने आपको दुर्गा माता जी का मंदिर दिखेगा, जी जी जी, फिर आपको नीचे उधर सीढ़ियों से ऊपर आओगे तो जी 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 मिलेंगे, जी 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 मिलेगी, जी जी जी, और ऊपर नौ देवी मिलेगी, जी जी जी, अंदर आओगे तो वैष्णो देवी का मंदिर है। तो पंडित जी मैंने ये भी सुना है कि यहाँ सालाना जन्म उत्सव होता है, मतलब यहाँ उत्सव भी होता है एक। हाँ, जन्माष्टमी के दिन होता है। अच्छा अच्छा तो पूरा भीड़ भाड़ रहती होगी खूब। हाँ। ठीक है पंडित जी, वो आऊँगा आपके, वो माता रानी बुलाएगी, अच्छा लगा और आपसे मुलाकात फिर से होती रहेगी। तो गाइस अब आपसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है, बिकॉज मैं घर के लिए जा रहा हूं और आप इंजॉय कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैं आपको फिर से दिखाऊंगा एक बार व्यू, और उसके बाद टाटा बाय। और भाई प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लो यार, दिल से बोलो, बहुत मेहनत लगती है। और लाइक फॉलो कमेंट सब कर दो यार प्लीज़। तो गाइस अभी मैं हाईवे पे आ चुका हूं, क्योंकि मंदिर पीछे हो गया है पूरा, मतलब दर्शन कर लिए हैं, अब बाहर बुलंदशहर जा रहा हूँ। दूसरे पार्ट में आपको बुलंदशहर के बारे में बताऊंगा कल, फिलहाल टाटा करने का समय आने वाला है, उससे पहले थोड़ा सा मैं बोलने की प्रैक्टिस और देख लूँ। तो दर्शन करने के बाद भाई थोड़ा सा हाईवे पे रुककर वीडियोस और कुछ फ़ोटो क्लिक करी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। उसके बाद दूसरा पार्ट में आपको बुलंदशहर के अंदर का पूरा शहर का दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ वहाँ की फेमस है और क्या क्या चीज़
वहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं, मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और थोड़ा सपोर्ट करो भाई का, जब ही तो मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाऊंगा, ठीक है। रात हो चुकी है और अब मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं थक भी चुका हूँ, सुबह से बना रहा हूँ ब्लॉग। तो उसके बाद आप सबसे कल मुलाकात होगी दूसरे नए ब्लॉग में, फिलहाल आप इस ब्लॉग को देखना। टाटा।